दोस्तों, अक्सर हमने टीवी, अखबारों या किसी सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में अक्सर सुनते हैं कि स्पेस में या किसी ग्रह में सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को किसी मिशन के लिए भेजा गया है। हाल ही में जुलाई में 2019 में भारत द्वारा चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेजा गया था। चंद्रयान 2 जिस रॉकेट से स्पेस में भेजा गया था उसका नाम है GSLV Mark 3। दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल हमेशा आता है कि रॉकेट स्पेस में कैसे जाते हैं, या यूं कहे किसी अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में कैसे ले जाया जाता है और स्पेस से वापस कैसे लाया जाता है। दोस्तों, रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी कि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपपात्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण हैं। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर एक सकरे मुंह से अत्यंत तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है यानी जो रिएक्शन होती है वह रॉकेट को तेज वेग से आगे की ओर ले जाती है। अंतरिक्ष यानों को वायुमंडल से ऊपर उड़ना होता है, इसलिए वे अपने साथ ईंधन एवं ऑक्सीजन को लेकर उड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अंतरिक्ष यात्री जिस यान से स्पेस या अंतरिक्ष में जाते हैं उसे स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान कहते हैं, और यह स्पेसक्राफ्ट रीयूजेबल होती है यानी इसे दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर डाटा एकत्र करने और संचार के तमाम यंत्र लगे होते हैं। इसमें सवार होकर ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के खाने पीने और यहाँ तक कि मनोरंजन के साजो सामान और एक्सरसाइज के उपकरण भी लगे होते हैं। अंतरिक्ष यान को स्पेस क्राफ्ट भी कहा जाता है यानी स्पेस शटल या स्पेस क्राफ्ट भी कहा जाता है, किंतु वे अंतरिक्ष यान से भिन्न होते हैं। इसे एक रॉकेट के साथ जोड़कर अंतरिक्ष में भेजा जाता है, लेकिन प्रायः यह सामान्य विमानों की तरह धरती पर लौट आता है। दोस्तों, आपको बता दूं, सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष में पहला मानव यूरी गागरिन को 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 3 के रॉकेट पर पृथ्वी के कक्षा पर लॉन्च किया था। दोस्तों, रॉकेट में ही फ्यूल को इकट्ठा किया जाता है जो इंजन को पावर दे सके, इसे एक्सटर्नल फ्यूल टैंक भी कह सकते हैं। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में होती है और इसी तरह हाईली प्यूरिफाइड फ्यूल यूज़ किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए मेन इंजन रॉकेट के साथ 2 बूस्टर रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसका फ्यूल खत्म होने के बाद अलग हो जाता है। जब रॉकेट डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है, अब स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट स्पेस में अपना एक्सपेरिमेंट, रिसर्च या ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत करनी हो तो वो अपना काम करते हैं। अब जब अंतरिक्ष यात्री अपना सारा एक्सपेरिमेंट या रिसर्च हो जाने के बाद अब बारी आती है स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी में वापस आने की। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी में वापस आने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाती है और उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। इस समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही फ्रिक्शन के कारण यानी घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट में आग भी लग सकती है। स्पेसक्राफ्ट के ऊपर विशेष प्रकार की तापरोधी चादर होती है। यह चादर पृथ्वी के कक्षा में उसे घर्षण से पैदा होने वाली ऊष्मा यानी फ्रिक्शन से बचाती है, इसलिए इस चादर को बचाकर रखा जाता है। यदि यह चादर न हो या किसी कारणवश टूट जाए तो पूरा यान मिनटों में जलकर खाक हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद एरोप्लेन की तरह पृथ्वी पर लैंड करने के लिए एरोप्लेन की तरह इसमें पहिए लगे होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत अधिक होने के कारण इनके पीछे पैराशूट खोल दिया जाता है और इस तरह अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।